लेके चली, तो मैं शॉपिंग वगैरह थोड़ी करके आऊँ। रोज वाला शेक विद सोडा। हे एवरी वन, माई सेल्फ नीलम असीजा, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और टाइम हुआ है 7:45 बज चुके हैं। मैं कभी का रेडी हुई हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा के बैठी हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, बट हबी आ चुके थे, आए थे जस्ट 5 मिनट्स के लिए ओनली, बिस्किट खाया और चले गए, दरवाजे से ही चले गए हैं, उनको काम है आज, बहुत सैटरडे है तो काम से चले गए, नाश्ता नहीं खाया इन्होंने। फ्रूट तो मेरे लिए पड़ा है, चिकू वगैरह बनाना वगैरह पड़ा है, एक बनाना तो मैंने आफ्टरनून में भी खाया, ये टाइम पे भी खा लूँगी, दो खाती हूँ, एक आफ्टरनून में एक इवनिंग में इनके साथ खा लेती हूँ। तो काजल भी बोले मम्मी मैं वेफ़र लेके आऊँगी, तो हुआ तो बनाना खाऊंगी, नहीं तो चिकू खा के फिर वेफ़र खा लेती हूँ। तो आज कितने दिनों के बाद काजल बोले मम्मी पापा वैसे रहते फ्रूट खाते, आप खाते ही नहीं हो वेफ़र वगैरह, मैं लेके आती हूँ, आज दोनों खा रहे हैं वेफ़र। और कामकाज तो हो गया, नींद तो इतनी मस्त की है आज, रात में नींद नहीं आ रही थी, लेट सोई थी बहुत, पता नहीं क्यों 4-4:30 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा है ना तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एसी भी चालू की थी उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर उसकी वजह से आज उठी भी लेट, फिर आफ्टरनून में बहुत अच्छी नींद आई है, बिल्कुल रिलैक्स हो गई। इसके लिए मैंने आज सोचा था वैसे मैं सुबह में ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट नींद ना होने की वजह से मुझे अनईजी लग रहा था आफ्टरनून में, सुबह से लेके आफ्टरनून तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काम वगैरह भी मैंने उठ के किया है अभी नींद में से उठ के। बैटरी तो वैसे भी दिन में 10 बार ही मैं उसको अरेंज करती रहती हूँ या फिट करती रहूँगी, पूरा दिन मेरा चालू रहता है। फर्नीचर तो कल इवनिंग में किया था मैंने, आज करना ही नहीं था, उठ के अभी फिर से मैंने थोड़ा सेट कर लिया घर को, और ये भी आ गए तो इनको बिस्कुट वगैरह दिया, बोला मैंने बैठ के फ्रूट वगैरह खाओ जल्दी से, खा के जाओ कुछ, तो नहीं खा के गए, चले गए। तो बस मैं खा लेती हूँ काजल के साथ, फिर चाय वगैरह पियेंगे, काजल और मैं ही पियेंगे आज, इनको टाइम नहीं है। तो सैटरडे के दिन वैसे भी ये जल्दी जल्दी भगते हैं, इनको काम का प्रेशर रहता है, बहुत काम रहता है इनको। मैं कितने दिनों से बोल रही थी थोड़ा जाऊं बाज़ार में थोड़ी शॉपिंग करके आऊं, तो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है लेके चले, तो मैं शॉपिंग वगैरह थोड़ी करके आऊं, गर्मी भी है थोड़ा बाहर जाऊं, तो वो शॉपिंग का हो नहीं रहा है। तो अभी 8:30 बजे हैं, मैंने नाश्ता भी खाया, बनाना चिक्कू वगैरह खा लिया, और कपड़े भी जो पड़े थे सूखने डालने थे आज लेट धोए थे वो भी सूखने डाले, और जो फोल्ड करने के थे वो भी फोल्ड कर दिए, यहाँ की बेडशीट भी अरेंज कर ली। आज तो ये आए नहीं है, नहीं तो बैठे रहते तो ज़्यादा होती है, आज इतनी नहीं निकली है, बट थोड़ी सी हम बैठे हैं, सुबह से मैंने बनाई है तो उसके बाद थोड़ी सी बैठे हैं, तो फिर थोड़ी निकली हुई थी तो फिक्स कर दी। ऐसे पूरा दिन मैं चालू ही लेती हूँ, ये जो रोटी पकाने का है ना स्पून, ये पूरा दिन लेते बैठती रहती हूँ, कभी यहाँ पे बनाऊँगी कभी वहाँ पे बनाऊँगी, ये पूरा दिन मेरा चालू रहता है। और काजल बोले मैं वेफर भी लेके आ रही हूँ, अभी मैंने इतना खाया है, बहुत फ्रूट भी हो गया, अभी वेफर भी लेके आएगी वो भी खाऊंगी, उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी। अभी 8:30 हो चुके हैं, आज चाय में ज़्यादा लेट हो जाएगी, ये नहीं होते हैं ना तो फिर लेट हो जाती है, ये बैठे रहेंगे तो जल्दी से, क्यों तो इनको जाना पड़ता है, फटाफट से ये खा के चाय वगैरह पी के चले जाते हैं। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया रोज़ वाला शेक और सोडा बनाई थी, यानी कि रोज़ वाला शेक विद सोडा बनाई थी, तो आज मेरे दूसरे मामा का भी मैसेज आ गया, भाई तूने याद करा दिया, वो भी पापा बनाते थे तभी वो भी आते थे, मामा बोल रहे थे याद करा दिया मुझे भी, अभी हम भी बना के पियेंगे, तो मैंने बोला हाँ आप भी बना के पी लेना। तो यही पहले फेवरेट है सबका, समर सीजन में सबको अच्छा लगता है ऐसे रोज़ वाला शेक पियो या सोडा वगैरह पियो, ठंडा माजा वगैरह पियो तो ऐसा अच्छा लगता है। बाकी तो बारिश वगैरह पड़ जाएगी तो उसके बाद तो ये ठंडा तो मेरा सब बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरा नॉनवेज चालू हो जाएगा। अभी मैं वेट कर रही हूँ, अभी ये ठंडा वगैरह पी के मैं बोर हो गई, अभी नॉनवेज खाना स्टार्ट करना है, फिर बाद में नॉनवेज खाना मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी अटेंसेस भी लगाने हैं और खाना भी सोचना है क्या बना, तो उस हिसाब से मैं करूँगी। अभी काम बाकी थोड़ा ही है तो थोड़ी देर बैठ के मैं काजल के साथ बैठती हूँ, वेफर वगैरह खाऊंगी, चाय वाय पीऊंगी, उसके बाद अटेंसेस लगा के फिर खाने पे लग जाती हूँ। खाना तो सोचा ही नहीं है क्या खाएं या क्या, समझ में नहीं आ रहा है। और अभी तो बोल रहे गर्मी भी और बढ़ेगी ये वीक में, अभी ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है, पता नहीं कैसा होगा, हमारी ये यहाँ पे ही हालत खराब हो गई, और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, पता नहीं कैसा लगेगा हमें। तो 10:15 बजे हैं, मैं आ गई हूँ किचन में, मैं बोलती हूँ मेरे साथ मशीन भी बोल लेती है, खाना बनाने के लिए आ गई हूँ और फैन चालू कर दिया है, बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पे मिल्क भी बॉयल हो रहा है
और मूंग भी मैंने सोक करके रखे हैं, बस मूंग और रोटी बना रही हूँ। तो मैं आपसे बाद में बात कर रही हूँ, मशीन बोलने नहीं दे रही है मुझे। तो मूंग सोक हो गए हैं, बस फटाफट से मैं मूंग बना लूंगी और रोटी बनानी है और अटेंसिल्स लगा लूंगी। जब तक मूंग बनेंगे मैं अटेंसिल्स भी लगा लूंगी फटाफट से। मिल्क भी बॉयल हो गया, सोडा भी लेके आए हैं, रात को रोज वाला शेक विद सोडा बनाती हूँ वो भी लेके आए हैं, सोडा भी, और ओनियन खलास हो गए थे वो लेके आए, तो ये सब बना के रखूंगी अभी। तो पहले मिल्क बॉयल कर दिया मैंने, मैं नहीं ठंडा हो जाए जल्दी तो फिर रात को वो पियेंगे। ये सब फ्रिज वाला तो नहीं पीती हूँ, यहाँ पे बाहर रखा हुआ होगा ना तो वो पीऊंगी। अभी फैन बंद कर दिया मैंने, अभी जस्ट जब तक मिल्क बॉयल करूँ ओनियन काटूँ तब तक फैन यहाँ पे मैंने चालू ही रखा था। अभी गैस स्लो चल रही थी तभी बंद किया फैन। फैन के बगैर खड़े नहीं रह सक रहे, चाहे किचन में खड़े रहो या कहीं पे भी खड़े रहो, हो ही नहीं रहा है खड़े रहने के लिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में, अभी बना रही हूँ रोज वाला शेक विद सोडा। काजल के लिए तो वैसे ही बनाऊंगी, काजल तो रोज वाला शेक ही पिएगी। एक में 10 मिनट पड़े हैं, टीवी बैठ के देख रही हूँ और यहाँ पे फैन मैं चालू करूँ तो 2 मिनट में हालत खराब हो रही है। खाना भी खा लिया, मुझे तो खाना जा ही नहीं रहा है। लिक्विड हो या फ्रूट हो वो अच्छा लग रहा है खाना, बाकी ये तो ऐसे रोटी तो मेरे से बिल्कुल नहीं जा रही है। मैं रोटी ना खाऊं मैं, ऐसा हो रहा है। अभी बिलीव मी रात के 2:15 बजे हैं, हाय 2:15 बजे हैं। अभी जाके कभी का सो गए हैं रूम में, एसी वगैरह चालू करके खी सोडा पिया, उसके बाद चले गए ये एसी में जाके सो गए हैं। एसी तो पहले ही चालू करके आते हैं, खी सोडा जब पीते हैं तभी चालू करके आते हैं, फिर वहाँ पे रूम ठंडा होता है और यहाँ पे बैठे रहते हैं। फिर ये गए अभी रूम में सोने, कभी का गए हैं ये, तो इनको सुबह में उठना पड़ता है जल्दी, पानी भरने के लिए इनको उठना पड़ता है, मैं पानी भर ही नहीं पाती हूँ। एक तो इतना इन यहाँ पे हमारे घर में सिस्टम है, वॉल जो है चालू करने के लिए सुबह में पानी आता है वो इतना ऊपर है, तो ऊपर तो हमारे लंबू ही चालू कर सकते हैं वॉल, काजल और मेरा तो हाथ ही नहीं जाता है। अगर हमारा हाथ भी जाना तो काजल को स्टूल पर चढ़ना पड़ता है, मैं तो स्टूल पर चढ़ नहीं पाऊँगी। मीन्स मुझे स्टूल पर चढ़े हुए 22-23 ईयर्स हो गए, नो 25 ईयर्स, काजल के बाद ही मुझे प्रॉब्लम हुई है जॉइंट पेन की, तो 25 ईयर्स हो गए हैं मैं स्टूल पे नहीं चढ़ी हूँ, नीचे नहीं बैठी हूँ, बिल्कुल भूल ही गई कि ये चीज़ें मेरे लिए भी बनी है, तो ये मैं भूल ही गई हूँ। तो ना कभी मैंने ट्राई किया, फिर भी मैं क्या करती थी, अपना वॉल यूनिट था तो वहाँ पे जहाँ पे मैं पहले रहती थी, काजल छोटी थी जब भी,
वॉल यूनिट पे पोछती डस्टिंग वगैरह करती थी ना, जैसे ही अभी ऊपर है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, ये यहाँ पे ऊपर है तो इसे मैं छोड़ देती हूँ, वो नहीं साफ़ करती हूँ, कभी कभी काजल कर लेती है। तो मैं वहाँ पे छोटा सा स्टूल, एक या डब्बा, डब्बा रहता है ना, छोटा सा स्टूल नहीं था, जो डब्बे रहते हैं ना स्टील के, वो डब्बा रख के एक पैर लेके छोटे से डब्बे पे थोड़ा सा चढ़ के ऐसे हाथ ऊपर करके पोछ लेती थी। ये चिल्लाते थे, आए हाय तू डब्बे पे नहीं चढ़, गिर जाएगी, ऐसे बोलते थे। तो तभी तो मैं ऐसा चाहती थी, अभी तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया ना मैं कैसे कहीं से ऐसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हूँ, या छोटा स्टूल भी हो वहाँ पे मैं चढ़ के मैं थोड़ा साफ़ सफ़ाई करूँ, कुछ नहीं, मैं ऐसे बोलती हूँ अगर मैंने साफ़ सफ़ाई की तो मैं काम से गई, तो जितना होता है उतना ही करती हूँ, ना नीचे बैठती हूँ ना ऊपर की साफ़ सफ़ाई, घर की कहीं पे भी ऊपर हो मैं करती नहीं हूँ, या मॉपिंग वगैरह होता है हाथ में, जैसे अभी कल मैंने पोछने के लिए लिया था तो नीचे तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ, तो जहाँ पे स्लीपर वगैरह शूज़ वगैरह पड़े रहते हैं वो पूरा निकाल के ड्रावर मैंने उसमें मॉपिंग कर ली, मॉपिंग से भी वहाँ पे साफ़ हो गया। तो ऐसे करके मैं साफ़ सफ़ाई करती हूँ। तो वॉल भी ऊपर है तो हब भी उठते हैं वो चालू करते हैं, तो पहले तो मैं भरती थी जहाँ पे रहती थी वहाँ पे वॉल नीचे था, तो मैं उठती थी नींद में से, चालू कर देती थी वॉल, उनको बोल रही थी सिस्टम यहाँ पे ऐसा बना है, आपने आपको टाइम नहीं मिल रहा है, मैं वॉल नीचे हो तो आप नहीं भी उठो तो हम चालू कर दे काजल या मैं, तो नहीं मानते इनको भी टाइम नहीं मैं कर रहा हूँ ना नींद में से, मुझे उठने भी नहीं देते हैं जल्दी, कभी तो ऐसा करते हैं नाश्ते के लिए भी नहीं उठाते हैं, देखते हैं रात को लेट सोई है या तो फिर तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे करके रात सुबह में नाश्ते में उठाते नहीं है। कितना बोलती हूँ नहीं उठाओ, बाद में तो मैं हम घर पे ही हैं, कहाँ पे जाना है मुझे, बाद में सो जाऊँ, भले आप जाओ उसके बाद सो जाऊँ, आफ्टरनून में सोऊँ, पूरा दिन सोऊँ, मुझे कौन बोलने वाला है, कभी भी सोऊँ मैं कभी भी उठूँ कोई नहीं बोलने वाला है, तो भी नहीं मानते हैं, बोलते नहीं, ज़्यादा करके ध्यान देते इसका हेल्थ का इशू है या क्या, तो फिर काम का प्रेशर कम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। जैसे अभी एक दो दिन से बाहर से भी खाना आया है, कल भी ऐसे आलू में थी बाहर से मंगाई थी, हल्का शो हो जाता है तो ध्यान देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं जाने दे रेस्ट कर, बीमार पड़ जाएगी, हेल्पर नहीं आई तो मैंने बाहर से मंगा लिया था, बीच में भी संडे को भी ऐसा किया था मैंने बाहर से मंगा लिया था, ऐसा हुआ है, यानी कि कंटिन्यूसली आंटी की छुट्टी हुई है दो बार, संडे को हुई और फिर ट्यूसडे को हुई। तो सुबह में ये उठते हैं तो ये जल्दी सो जाते हैं, अभी जाके एसी में कब का सो गए हैं, मैं और काजल यहाँ पे बैठ मोबाइल चलाया, थोड़ा टीवी बैठ के देख रही थी, टाइम पास हो गया, 2:15 बज रहे, अभी तक नींद का नाम नहीं है मेरी आंखों में, वह मुझे नींद आए, पता नहीं मैं इनको बोल रही हूँ अपने सीट सोने की, सीट चेंज की है ऐसा बोल रही हूँ, जैसे ट्रेन में नहीं होता है सीट चेंज की तो नहीं बैठूंगी मैं, वैसे मैं बोल रही हूँ आपने चेंज क्यों किया है, बेड चेंज कर दिया है, रूम चेंज कर दिया है, बेडरूम में जाके सो रहे हैं, पहले यहाँ पे सोते थे, यहाँ पे टीवी देखते 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 2-2.5 ऐसा करके, या कभी 2.5 ईयरली कभी 2.5 बजता था, नहीं तो 1.5-2 तो होते थे, टीवी देखते देखते मुझे नींद आ जाती थी, फिर मैं बोलती हूँ आप वहाँ पे चलते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, एसी में चल के जाके सो जाती हूँ, पहले तो ऐसा लग रहा था नया एसी में जाके सोई, यहाँ से उठ के तो ऐसा लग रहा था हाँ एसी मुझे लोड़ी दे रही है तो मुझे मस्त नींद आ रही है, अभी तो कहाँ पे एसी में भी नींद आ रही है मुझे, एक गर्मी सहन नहीं हो रही है, ऊपर से एसी भी अच्छी नहीं लग रही, ना एसी अच्छी लग रही है ना गर्मी, अब इंसान जाए तो कहाँ जाए, मैं छोटी सी ननी सी जान कहाँ पे जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी तरह लाइफ हमारी चल रही है, यही लाइफ स्टाइल, यही लाइफ चल रही है, क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी भी एंड करने वाली है जल्दी से। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड द आइकॉन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड गुड नाइट। नाइट नाइट क्या होता है, चलो जो भी हो, अभी आप लोग भी मुझे समझ गए होंगे इसका क्या बोलती रहती है, ये दोनों समझते आप भी समझ जाओगे, बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपको कल।